गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार PVR स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पहला भाग। तो हम आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से पढ़ाने से पहले उसके कुछ सूत्र होते हैं, उस वृत्तों में जो क्षेत्रफल पूछा जाता है क्या चीज़ पूछता है, वहाँ से पूछता है वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि वृत्तखंड होता क्या है, त्रिज्यखंड क्या होता है और जो चाप है चाप की लंबाई क्या होती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। तो आओ पहले देखते हैं कुछ सूत्र के बारे में। तो हमें यहाँ पर लिख दिए हैं कि वृत्त की परिधि, ये जानते हैं वृत्त है हमारा, ये वृत्त का जो ये बाहर वाला भाग होता है ये क्या होता है, परिधि होती है। तो जो वृत्त का परिध होता है वो होता है 2πr। फिर होता है वृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr². इन्हीं दोनों से हमें मिलेगा जो आगे सूत्र बनेगा, जो इसमें हमको प्रयोग करना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, इन्हीं दोनों का यूज हमें करना है। सिर्फ अंतर क्या आ जाता है कि उसमें कुछ कोण दे दिया जाता है। तो आओ देखते हैं कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम ये जानेंगे कि त्रिज्यखंड होता क्या है वृत्त में। त्रिज्यखंड वो भाग होता है जब दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है वही त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक त्रिज्या क्या है, OA है और एक त्रिज्या OB है। तो इन दोनों के बीच में ये जो भाग दिख रहा है इतना, ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड। इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और जो ये बाहर वाला भाग दिख रहा है ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो जो हमारा ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र है यही हमारा क्या है, त्रिज्यखंड होता है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, तब जब ऐसी सवालें देंगे तो उसमें कोण भी दिया रहेगा, मतलब ये दोनों त्रिज्याएं जहाँ पर मिलती हैं तो कितने अंश का कोण बना रही हैं, तो केंद्र पर कितने अंश का कोण, यहाँ थीटा है तो वहाँ पर दिया रहेगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा 5360 πr² है। करना क्या है, सिर्फ क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा 5360 से हमें गुणा कर देना है। फिर आता है वृत्त के त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। ये इसका मतलब क्या हुआ, संगत चाप की लंबाई का इसका मतलब ये हुआ कि जो ये त्रिज्यखंड है इसके संगत चाप, तो यहाँ से यहाँ तक A से लेकर B तक की जो ये लंबाई है यही क्या होता है, चाप होता है। ये लघु चाप है और ये बाहर वाला B से लेकर A तक क्या है, दीर्घ चाप है। तो जो A से B तक की लघु चाप है इसी की लंबाई ये पूछ रहा है। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा 5360 गुणे 2πr, अर्थात परिधि में हम थीटा 5360 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमारा मिल जाएगा क्या, लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई मिल जाएगी। फिर अगला सूत्र होता है कि अगला सूत्र पूछता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड होता क्या है, पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ वृत्तखंड होता क्या है। अगर इन दोनों चाप को मिला दिया जाए, ए और बी को मिला दिया जाए, तो जो हमारा ये नीचे वाला शेष भाग बच रहा है ये वाला भाग, यही हमारा वृत्तखंड है। यही हमारा क्या होता है, वृत्तखंड। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा 5360 πr², इसके पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम ये देखिए त्रिभुज बन रहा है OAB, ये त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल निकालने का सिंपल तरीका हो जाता है 1/2 r² sin θ, क्योंकि यहाँ थीटा हमें कोण मालूम रहेगा और r त्रिज्या भी हमें ज्ञात रहेगी। तो इसलिए जहाँ कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज यहाँ बने, चाहे विषमबाहु बने, चाहे समद्विबाहु बने, कोई भी त्रिभुज बने उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा, थीटा 5360 πr² माइनस 1/2 r² sin θ। तो इसमें जो हमारा वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड क्या होगा, त्रिज्यखंड हमारा होगा OABO, अर्थात ये पूरा क्षेत्र त्रिज्यखंड है।
जो हमारा यहाँ पर चाप की लंबाई पूछे कि चाप की लंबाई क्या है, ए से लेकर बी तक ये हमारी चाप की लंबाई है। फिर पूछेगा वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड ये है और दीर्घ वृत्तखंड हमारा ये है। तो जब दीर्घ वृत्तखंड पूछेगा तो हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड घटा देंगे, लघु वृत्तखंड घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इतना यहाँ पर ये सूत्र है, इन सूत्रों को आप लिख लीजिएगा और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके फिर इसको समझ लीजिएगा। इस अध्याय का हमारा पहला प्रश्न है एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेमी तथा 9 सेमी हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर है। यहाँ पर दो वृत्त दिया है, यहाँ पर क्या है दो वृत्त हमें मालूम है, एक वृत्त और दो वृत्त, एक की त्रिज्या है और दूसरे की, एक की त्रिज्या है 12 सेमी और दूसरे की त्रिज्या है 9 सेमी, दूसरे की त्रिज्या 9 सेमी। तो एक तीसरा वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। जो तीसरा वृत्त है इसकी हमें त्रिज्या निकालना है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है R है, तो जो इसका इस वृत्त की जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों वृत्तों का परिधि निकालेंगे और निकालने के बाद हम इस वृत्त के परिधि के बराबर कर देंगे। तो पहले निकालते हैं, यहाँ पर माना बड़े वृत्त की त्रिज्या आर है। मान लीजिए कि जो ये हमारा बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कितना है आर है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पहले परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि सी वन, परिधि को सी से व्यक्त करते हैं तो हम सी वन मान ली। तो यहाँ पर पहले वृत्त की जो परिधि है वो क्या हो जाएगा 2πr, तो सी वन बराबर 2π रहने दो, r का मान कितना है 12 है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो सी वन बराबर आएगा 12 दूनी 24π, ये मिल गया। फिर निकाल लेते हैं दूसरे वृत्त की परिधि, इसको सी टू कह लेते हैं, ये भी होगा 2π, यहाँ R1 कह लो, ये R2 हो गया, तो ये 2×π रहने दो, R का मान कितना है 9 है, तो ये हो गया 9 18π, ये भी सेमी में, ये भी सेमी में, ये दोनों हो गया। अब इन दोनों का योग एक बड़े वाले वृत्त के परिधि के बराबर है, तो प्रश्नानुसार क्या कहा है, सी बराबर बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, सी बराबर हो जाएगा इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग अर्थात सी वन प्लस सी टू। तो सी बराबर हो जाएगा, तो सी इसकी परिधि क्या मिलेगा 2πr मिलेगा। अब इसका क्या है 24π प्लस इसका 18π, इतना समझ में आया, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ये 2πr है, यहाँ 24π है और 18 है, इनको दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये 2πr इज इक्वल ये पाई हो जाएगा, 8 4 12 2 हासिल है 1 2 3 हुआ और 3 1 हासिल था 4, कितना हो गया 42 हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 2 4 2 1 2, तो R बराबर आ गया
21 सेमी। तो जो हमारा हमारा बड़ा वाला वृत्त है उसकी जो त्रिज्या मिलेगी वो मिलेगी 21 सेमी। एक मिनट थोड़ा को 8 4 12 2 1 3 3 1 4 सही। और पाई है तो पाई हो जाएगा, तो इसको काटेंगे पाई से, पाई कटा 2 2 4 2 1 कम 2 तो आर बराबर 21 सेमी सही। तो जो ये हमारा त्रिज्या आया बड़े वृत्त का उसकी त्रिज्या कितनी होगी 21 सेमी। तो इसको आप सब उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी तथा 6 सेमी हैं। दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 8 सेमी है और दूसरे की त्रिज्या 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अभी क्या था कि दो वृत्त थे उनके परिधियों का योग तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर था, लेकिन अब क्या है, दो वृत्त हैं इनका क्षेत्रफल तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें यहाँ से निकालना है कि जो नया वृत्त बन रहा है बड़ा वाला उसका त्रिज्या कितना होगा। तो त्रिज्या हमें यहाँ पर निकालना है, तो एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है और इस वृत्त की, पहले वृत्त की त्रिज्या है 8 सेमी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेमी। इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है उसको मिलाकर एक बड़ा सा वृत्त बनाया जा रहा है। इस अब इसका कुछ नहीं दिया है तो पूछ क्या रहा है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है r। इन दोनों वृत्तों को मिलाकर एक बड़ा सा वृत्त बनाया जा रहा है तो पूछ रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो मान लेते हैं, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या r सेमी है। मान ली यहाँ पर जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमें मिला क्या है, पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 8 सेमी है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेमी है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या आर माने हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वन स्क्वायर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर टू स्क्वायर हो जाएगा। पाई इसमें तीनों में पाई है तो पाई कामन लेंगे इन दोनों में, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो पाई कामन लेंगे तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ये पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर मिला आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। अब जो हमारी पहली त्रिज्या है पहले वृत्त की वो कितना है 8 सेमी है, तो यहाँ पर रखेंगे 8 का वर्ग। दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 सेमी है तो 6 का वर्ग, तो आर स्क्वायर बराबर 8 8 64 6 6 36 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर बराबर होगा 100। तो हमें निकालना क्या है, आर निकालना है, तो 100 है तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग। घात की तुलना कर देते हैं, घात दोनों की क्या है समान है, जब घात की समान है तो इनके आधार आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से मिल गया आर बराबर 10 सेमी, ये मिला है बड़े वृत्त की हमें त्रिज्या मिल गई। तो ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, दे देगा कोई दो वृत्त दे दे या तीन वृत्त दे दे
उन तीनों वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा उससे जो एक नया वृत्त बन रहा है उसके क्षेत्रफल के बराबर हो, या उनका परिधि जो है परिधियों का योग बड़े वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो। तो जो क्वेश्चन में कह रहे हैं वही करना है हमें। प्रश्न पढ़िए धीरे धीरे, कम से कम दो बार आप पढ़िए प्रश्न, जो कहे उस प्रश्न में वही आप करिए, उसके सिवा कुछ मत करिए। हमने यहाँ पर वही किया, वो कहा कि एक दो वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेमी और 6 सेमी है के क्षेत्रफलों का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमने वही किया, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का योग जो हमारा बड़ा वाला वृत्त है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों हमने बराबर कर दिया, इसका क्षेत्रफल रख दिया, पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या हमें मालूम था, मान उठाकर रखे, हल कर लिए, आर बराबर मिला 10 सेमी। तो इसको आप उतार लीजिए, नहीं समझ में आया होगा वीडियो एक बार बैक करके पीछे से फिर देख लीजिएगा कहाँ से कैसे किया गया है। अगर ये आपको क्लास समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए तो वीडियो समय पर मिल जाए और आप सब अच्छी तैयारी एग्ज़ाम के लिए कर सकें। अगला क्वेश्चन इसी अध्याय का क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। कोई एक कार है जो कार का व्यास, पहिए का व्यास है, पहिया जो होता है कार का उसका जो व्यास है वो कितना है, 80 सेमी है, व्यास है 80 सेमी इस पहिए का, प्रत्येक पहिए का। तो आपने देखा होगा कार के चारों पहिए एक ही साइज के होते हैं, एक ही नाप के होते हैं, तो उनका जो व्यास है वो कितना है, 80 सेमी है। ये कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, जो कार की चाल है वो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इस स्पीड से कार जा रही है। तो कह रहा है कि कार 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, उसका जो पहिया है, एक पहिया कितना चक्कर लगा लेगी 10 मिनट में। तो वही पहिए की चक्करों की संख्या हमें निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं कि जो पहिए की परिधि है वो कितनी है, पहिए की परिधि कितनी है, ताकि एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी चल रही है, जितना एक मिनट में चलेगी उतना क्या है 10 मिनट में, उसका 10 गुना चलेगी। तो हम यहाँ पर पहले निकाल लेंगे कि एक मिनट में पहिया कितनी दूर जा रही है। तो पहले यहाँ पर निकालेंगे पहिए की परिधि, उसके बाद हम एक चीज़ ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सेमी में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय हमारा मिनट में है, तो हमको मात्रक भी समान होना चाहिए, चाहे जिसमें बना लीजिए, चाहे सबको सेमी में बना लीजिए, इसको सेकेंड में बना लीजिए, चाहे एक ही मात्रक, चाहे वो MKS पद्धति में हो, चाहे वो CGS पद्धति में हो, किसी एक पद्धति में आपको मात्रक लेना है। तो हम यहाँ पर हमें जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं क्या दिया है। तो कार के पहिए का व्यास कितना है, डी, व्यास होता है डी भैया, तो ये होता है 80 सेमी दिया है, कार के पहिए का व्यास दिया है 80 सेमी। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कार के पहिए की परिधि, तो कार के पहिए की परिधि मिल जाएगी, होता है परिधि बराबर होता है सूत्र 2πr होता है, लेकिन अगर इसको अलग किया जाए 2π × 2r, और यही 2r मिलके हमारा क्या है, ये व्यास के बराबर होता है। तो यहाँ पर मिल जाएगा पाई इंटू व्यास। तो यहाँ जो पाई इंटू व्यास मिल गया, तो पाई हमारा दिया ही है, व्यास है 80 सेमी, तो इसको क्या करेंगे,
ब्यास रखेंगे तो ये मिलेगा 80 पाई, ब्यास हमारा क्या मिल गया 80 पाई। ये किस में है, सेमी में है, तो ये भी सेमी में ही होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, करा किसी कार के प्रत्येक पहिए का ब्यास 80 सेमी, यदि कार का 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाएगा, प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पाई का मान 22/7 इंटू ब्यास कितना है 80 है, तो इसको हम हल करते हैं। हल करेंगे तो आएगा 0 8 2 16 6 8 2 16 1 17 / 7 इतना सेमी। जो पहिए का ब्यास परिधि है वो क्या मिल गया 17/7/7 इतना सेमी क्या है, पहिए की हमारी परिधि है। अब यहाँ पर कार की चाल दिया है, तो कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। बदलना हमको किस में है, इसमें मीटर पर सेकंड में नहीं बदलना है, मीटर यहाँ देखिए सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो आइए बदलते हैं इसको, तो 66 गुणे ये किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा, होता क्या है मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। अब यहाँ देखिए किलोमीटर है, किलोमीटर को बदलना किस में है हमको सेंटीमीटर में। कहाँ तक लाना है, यहाँ से लाकर यहाँ पर हमको लाना है छोटे मात्रक में, और जब छोटे मात्रक में जाएंगे तो छोटे मात्रक में जाने के लिए गुणा होता है, तो देखते हैं कितने से गुणा होगा, अर्थात 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है। तो क्या होता है, किलो के सामने 1 लिखो और उसके ऊपर जितने भी हैं उस सबके सामने 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, अर्थात कितना हुआ 1 लाख हुआ। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 / ये तो बदल गया किस में, सेंटीमीटर में। लेकिन हमको चाहिए घंटा है तो मिनट चाहिए, तो 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो हम क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कटा, 6 से इसका काटेंगे 11 होगा, गुणा करेंगे तो 11 1 2 3 4 0 इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट, हमारा ये मात्रक समान हो गया। अब देखिए सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है, मिनट हमारा समय जो है मिनट में ही है, 10 मिनट की बात किया है तो वो मिनट में है, मात्रक सेम। तो अब आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ पर कह क्या रहा है, चूँकि कार 1 मिनट में दूरी तय करती है बराबर इतना सेंटीमीटर दूरी तय करता है। अगर कार 1 मिनट में इतनी सेंटीमीटर दूरी तय कर रही है, 10 मिनट में कितना, इसका 10 गुना, तो इसलिए इसलिए कार 10 मिनट में दूरी तय करेगी इज इक्वल कितना हो जाएगा, तय करेगी 10 गुणे 11 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, अर्थात 11 इतना सेंटीमीटर। यह कार हमारी जो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी 11 लाख सेंटीमीटर, और जब 11 लाख सेंटीमीटर हमारी कार दूरी तय कर रही है कितने मिनट में 10 मिनट में, तो वो पूछा क्या है कार कितना चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कार कितना चक्कर लगाएगी, तो पहिए द्वारा लगाया गया कुल चक्करों की संख्या, पहिए द्वारा लगाए गए कुल चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा,
कार द्वारा चली गई कुल दूरी, कार द्वारा चली गई कुल दूरी बटे पहिए की परिधि, क्या हो जाएगी? पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। तो यहाँ पर मिला क्या हमारा, पहिया कुल कितना चक्कर लगाएगी? तो कार द्वारा चली गई कुल दूरी बटे पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी? पहिया एक चक्कर में उतनी दूरी चलेगी जितना उसकी परिधि होगी। जैसे मान लीजिए पहिया है, तो अगर इसको चलाया जाए तो यहीं से स्टार्ट किया जाए तो ये घूमते घूमते आएगी, तो जब यहाँ फिर से पहुँचेगी दोबारा उस बिंदु पर एक चक्कर इसका होगा। लेकिन एक चक्कर चली कितना? जितना इसकी परिधि है उतने एक चक्कर हुआ। तो जो इसकी परिधि क्या है, कार की परिधि कितना आया है? 1760/7 आया है। और इसकी कुल दूरी कितनी है? इतनी है। तो हम निकाल लेते हैं कुल दूरी कितनी है, 1,100,000 / ये कितना है, 1760/7। अब ये 7 ऊपर पलट के चला जाएगा, 7 कहाँ जाएगा, ऊपर पलट के। तो ये क्या होगा, 1,2,3,4,5 × 7/1760 ये मिल गया इसका। तो अब इसको हम काटते हैं, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो ये होगा क्या, 1,177 1,2,3,4,5 × 1,760। अब इसको काट लेते हैं, काटना स्टार्ट करते हैं, 1,0 से 1,0 कट गया। फिर आगे क्या बचेगा, इसको अगर किससे काट सकते हैं, 6, 1, 7, 7, 7, 14 3 से कटना वाला है, 2 से कटेगा। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से कट जाएगा भैया, 11 = 1 बचा 6, 11 × 6 = 6, 6 यहाँ 11 से काटेंगे तो 1,177 1,2,3,4,0। अब बचा यहाँ 16 किससे कट सकता है, 8 से चेक करें, 4 से पहले चेक कर, 4 × 16 तो यहाँ काटेंगे, 4 = 1 = 4 3 बचा 30 हुआ, 4 × 7 = 28 2 बचा, 4 × 5 = 20 0 0 अभी भी 4 है, 4 × 1 = 4 तो 4 × 16 4 × 3 = 12 कितना बचा यहाँ, 12 × 3 = 15 3 बचा, 4 × 7 = 28 और 2 बचा, 4 × 5 = 20 तो पहिया कुल कितना चक्कर लगाएगा, 4,375 चक्कर, इतना चक्कर पहिया लगाएगा, ये आंसर हुआ। तो ऐसे सवाल जब पहिए पर संबंधित या किसी की संख्या पूछ ले तो होता क्या है, जितना उस वो दूरी चल रहा है उस दूरी में उसके एक चक्कर में चली गई दूरी से हम भाग दे देंगे तो उसके चक्करों की संख्या आ जाती है। तो इसको आप सब उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो आओ निकाल लेते हैं, पहले बना लेते हैं यहाँ पर फिगर थोड़ा, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, 6 सेमी दिया है, त्रिज्या है 6 सेमी और हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड यही होता है दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल, तो दो त्रिज्या हमने बना लिया, ये मूल बिंदु हो गया, केंद्र हो गया, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है और इसका कोण जो दिया है, कोण दिया है 60 अंश, ये कोण दिया है कितना 60 अंश, और इस त्रिज्या जो दिया है वो दिया है 6 सेमी, त्रिज्या है 6 सेमी। तो कह रहा है कि
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड हमारा यही है, ये जो भाग दिख रहा है यही हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है, इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या आर दिया है 6 सेमी। वृत्त की त्रिज्या आर कितना है, 6 सेमी। कोण दिया है थीटा इज इक्वल 60 अंश। पूछा क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए हम निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड। अगर आप फिगर बनाते हैं, चित्र देते हैं, तो उसमें नाम दे सकते हैं। नाम इसका क्या होगा, OABO। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं ले जाकर एंड भी करेंगे। इसके लिए OABAO, तो क्या हुआ, त्रिज्यखंड OABO का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड इतने का क्षेत्रफल। इससे ये हुआ कि हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। अगर आप BO से स्टार्ट करते, OB फिर AO करते, तो आपका क्या हो जाता, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम निकाल किसका रहे हैं, लघु वृत्त खंड का। तो नाम दे सकते हैं OABO, थीटा 60 अंश है। तो अभी सूत्र हमने इसी वीडियो में सबसे पहले बताया है कि क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है थीटा अपान 360 × πr². अब हमें यहाँ पर थीटा भी मालूम है, आर भी मालूम है, पाई तो जानते ही मान 22/7। तो उठाकर रखते हैं, थीटा है 60 अंश, 360 × πr, पाई रहने दो कोई बात नहीं है, इंटू आर का मान कितना है, 6 का वर्ग। तो इनको हल करते हैं, देखिए काटते हैं तो 6 × 6 = 36, 6 बार गया। और यहाँ देखिए 2 6 है और यहाँ 1 6, काट सकते हैं तो बचा कितना, 6 πr, इतना semi². हमने यहाँ पर पाई का मान क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि पाई 22/7 होता है पाई का मान, और 7 से कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कटती, तो यहाँ बटे में माना जाता, तो इसलिए आप पाई में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आया क्या था, वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हमें पहले सूत्र याद रखना होगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है। अगर आपको सूत्र याद है, सूत्र आप कहीं साइड में लिख लीजिए। अब सूत्र में देखिए कि इसमें किसकी किसकी हमको ज़रूरत है, क्या मान चाहिए ताकि हम इसका मान हल कर सके। तो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ थीटा चाहिए, ये तो वैल्यू है, ये है, इसका मान तो रखोगे नहीं, ये थीटा चाहिए। पाई का मान याद होता है 22/7 है या 3.14। दूसरा आर चाहिए अर्थात त्रिज्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए यहाँ पर, दो कांस्टेंट वैल्यू हैं, दोनों का मान चाहिए, एक थीटा का मान चाहिए और एक आर का मान। अगर ये दोनों मान आपके, इन दोनों मानों को रखकर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और हमारे जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था उसमें ये दोनों मान दिए थे, जब ये दोनों मान दिए थे, थीटा का मान 60 अंश, आर का मान 6 सेमी, तो हमने उठाकर रखा और हल किया, आंसर क्या मिला, 6 πr। तो इसको आप उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी अध्याय का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि 22 सेमी है, जिसकी परिधि कितना है, 22 सेमी। तो आइए पहले इसमें थोड़ा चित्र बना लेते हैं, देखते हैं कि चतुर्थांश होता क्या है। तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ, वृत्त हुआ, इसके चतुर्थांश की बात किया है, तो हम वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देंगे। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें 2 व्यास की आवश्यकता पड़ेगी, कितने व्यास की, 2 व्यास की। तो मान लेते हैं पहला व्यास ऐसे है, ये गया पहला व्यास और दूसरा व्यास ऐसे, ये हमारा केंद्र O है। अब इसमें देखिए 4 बराबर भागों में हमारा वृत्त बट गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। तो पूछा क्या है, वो कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब एक भाग, चौथाई भाग।
तो अब इसका चौथाई क्या हुआ, चाहे इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, इन चारों में किसी एक का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि चारों क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर होंगे, चार के चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं। तो अब यहाँ पर दिया क्या है, वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की क्या दिया है, परिधि दिया है 22 सेमी, वृत्त की परिधि दिया है कितना, 22 सेमी। अब हमें चाहिए क्या, क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। चाहिए क्या, कोण चाहिए और त्रिज्या चाहिए, ना तो कोण दिया है ना तो त्रिज्या दिया है, तो करेंगे कैसे। लेकिन हमें त्रिज्या निकालने के लिए परिधि दे दिया है, तो हम परिधि से त्रिज्या निकाल लेंगे और कोण हम यहाँ से निकाल लेंगे। कोण निकालना बता रहे हैं कैसे निकलेगा, आइए पहले दिया क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि है 2, कितना दिया है 22 सेमी। अब वृत्त की जो परिधि होता है वो क्या होता है, 2πr होता है, आइए 22 के बराबर हुआ। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे 11 हुआ, आई पाई का मान 22/7, r बराबर 11, 11 एक दूनी 22, तो r बराबर आएगा 7/2, क्योंकि ये 7 इधर पलट के चला आएगा और ये 2 बटे में आ जाएगा। इतना सेमी हमें त्रिज्या मिल गया, त्रिज्या कितना मिल गया, इतना। अब r तो मिल गया लेकिन थीटा नहीं मालूम है, जब थीटा नहीं मालूम है चतुर्थांश की बात करें तो थीटा ये बताओ यहाँ इस बिंदु पर चारों ओर कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश होता है, एक बिंदु के चारों ओर 360 होता है। अब 360 में कितने भाग इसमें बन रहे हैं, 4 भाग, उससे क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो हमें थीटा मिल जाएगा। तो थीटा मिलेगा 360/4, क्यों 4 किए, 4 इसलिए किए क्योंकि जो हमारा ये चतुर्थांश है कितने हैं, 4 भागों में, वृत्त कितने भागों में बटा है, 4 भागों में। अगर यही वृत्त 8 भागों में बटा होता, 8 बराबर भागों में, तो 8 से भाग करते, 6 बराबर भागों में बटा होता तो हम 6 से भाग करते। तो थीटा निकाल, जब थीटा ना दिया हो तो हम ये देखेंगे कि वृत्त कितने बराबर भागों में बटा है, अगर 2 बराबर भागों में बटा होता तो हम 2 से भाग करते, तब हमें यहाँ थीटा मिल जाता। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि एक वृत्त के, एक बिंदु के चारों ओर 360 अंश का कोण होता है, और जो बिंदु है वो हमारा केंद्र है, तो केंद्र के चारों ओर 360 अंश है। अगर हम 4 से भाग करेंगे, देखिए भैया ये 90, ये 90, ये 90, 90, तो हुआ ना 360 अंश। तो यहाँ से मिल गया थीटा कितना, 90 अंश, तो थीटा बराबर कितना मिल गया, 9 चौक 36, थीटा मिल गया 90 अंश। जब थीटा मिल गया, आर मिल गया, तो हम निकाल सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आइए निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मिल गया 90 अपान 360, देखिए भाई थीटा का मान 90 है, इंटू पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है, आर है 7/2, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, 7/2 × 7/2, ये काटिए 9 चौक 36, 4 बार गया, 7 से 7 कटा, इसको देखिए 2 ग्राम में, तो ये कितना मिल गया, 11/77 अपान 4 × 8, इसको काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटेंगे तो यहीं छोड़ भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इतना सेमी स्क्वायर, इतना क्या हो गया हमारे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, 77/8 सेमी स्क्वायर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 12.2 प्रश्नावली का ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी है, घड़ी आप वृत्ताकार ही लेंगे क्योंकि आप वृत्तों पर आधारित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, तो घड़ी है, इसकी जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई है 14 सेमी, कितनी है
14 सेमी। तो हम मान लेते हैं कि जो मिनट की सुई है उसे घड़ी में देखा जाए थोड़ा छुट्टी होती है किनारों से, लेकिन अगर एक चीज़ ये देखा जाए घड़ी का जो नंबर होता है उसके डायल पर अगर वृत्त को खींच दिया जाए तो उससे मिलती हुई होती है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा डायल है इस कहाँ परिध पर है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं 14 सेमी। ये कितना है 14 सेमी। अब ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम मान लेते हैं 5 मिनट में ये घड़ी की सुई ऐसे आ गई 5 मिनट तक, ये भी 14 सेमी हुआ। अब इसके द्वारा ये जो क्षेत्रफल घिर रहा है ये कितना क्षेत्रफल है, यही क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो घड़ी की सुई की लंबाई है वही हमारी त्रिज्या हो जाएगी, घड़ी की सुई की लंबाई क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो घड़ी के सुई की लंबाई कितना है 14 सेमी। तो त्रिज्या मिल जाएगा हमें, त्रिज्या आर बराबर मिल जाएगा 14 सेमी। अब एक चीज़ यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ से आर तो मिल गया, थीटा नहीं ज्ञात है, थीटा हमें नहीं मालूम है। जब थीटा नहीं मालूम है तो हम थीटा यहाँ से पहले निकाल लें, तो थीटा निकलेगा कैसे। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना होगा कि घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो 1 सेकेंड में 6 अंश का कोण बनाती है, कितने अंश का, 6 अंश का। तो जब ये 6 अंश का कोण बनाती है तो कितने मिनट घूमी है, 5 मिनट घूमी है, कितने मिनट घूमी है 5 मिनट, तो 30 अंश का कोण बनाएगा। आइए निकाल लेते हैं, चूँकि मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 6 डिग्री का, 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का। हम इसको बता सकते थे कि कैसे ये आएगा, लेकिन अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए थोड़ा इसमें कुछ चीज़ याद कर लीजिए कि कैसे आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट घूमने के लिए वो 6 अंश कोण बनाती है। अगर वो मान लीजिए कि 5:10 है और 5:11 तक जाने में वो 30 अंश का कोण बनाएगी, कितने अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का, ओ सॉरी 6 अंश का कोण बनाएगी, कितने अंश का, 6। तो 1 मिनट उसे जाने के लिए 6 अंश का कोण वो बनाती है। तो यहाँ पर कितने मिनट घूम रही है, 5 मिनट। तो इसलिए 5 मिनट में बना कोण तो क्या हो जाएगा, 6×5 तो बराबर कितना, 30 अंश, कोण मिल गया हमें 30 अंश। तो निकाल लेते हैं 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में आंतरिक कह लो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा पान 360 × πr². तो थीटा हमारा मिल गया 30 अंश, ये 360, पाई का मान रख लें, देख लेते 14 कट जाएगा 7 से, आर कितना हुआ 14×14। तो इसको काटते हैं 0 से 0, 3×1=3, 3×2=12 हुआ, ये काटेंगे 7×2=14, काटेंगे 2×6=12, 2×3=6, 2×11=6। तो ये कितना हो गया, हल करेंगे इसको बराबर मिलेगा 11 और 14, तो 11×44 की 4 हासिल 1, 11×11 और 11×4=15, अब बटे 1/2 में कितना हुआ 3, इतना सेमी स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल वो बनाएगी, 154/3 सेमी स्क्वायर का कोण 5 मिनट में मिनट की सुई घूमेगी जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेमी है। हाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना, प्रत्येक घड़ी के लिए ये मान नहीं होगा,
क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल होगा उसके सुई की लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये सुई की लंबाई छोटी होती तो क्षेत्रफल कम बनाता, और बड़ी होती तो और ज़्यादा क्षेत्रफल हो जाता। तो जो सुई की जितनी लंबाई होगी त्रिज्या के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा। कोण तो समान बनाएगा चाहे कितनी भी बड़ी हो सुई, लेकिन जो उसका क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी अध्याय का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में कहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया हो। तो यहाँ पर है जो एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा क्या है, 15 मीटर है, 15 सेमी दिया है, मीटर नहीं दिया, सेमी दिया है। एक वर्गाकार घास का मैदान है, वर्ग के आकार का घास का मैदान है जिसकी प्रत्येक भुजा 15 सेमी है, ये मानक माना गया है। वैसे 15 सेमी कोई घास का मैदान नहीं होगा, लेकिन जो ये मानक दिया है वो सेमी में दे दिया है 15 सेमी। तो ये भी होगा 15 सेमी, ये भी है 15 सेमी। अब इस घास के मैदान के किसी एक कोने पर एक घोड़ा बांधा गया है, किसी एक कोने पर एक घोड़ा बांधा गया है, और जिसकी जो गले में रस्सी बंधी हुई है वो 5 मीटर लंबी है। कितनी है, मान लेते इसी कोने पर बांधा गया है, 5 मीटर लंबी है रस्सी। कितनी मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको तो सेमी में दिया है लेकिन ये किस में है, मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मात्रक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों मात्रक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ हमको त्रुटि लग रही है, दोनों मात्रक यहाँ पर समान होने चाहिए। यहाँ पर जो घास का मैदान है वो सेमी में दिया है, 15 सेमी उसकी भुजा है। तो वैसे भी सोचिए कि घास का मैदान है और रस्सी जो बांध रहा है घोड़े के गले में वो मीटर में है। तो मैदान है तो कोई सेमी में तो होगा नहीं, घोड़ा वहाँ पर जाकर चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो त्रुटि मिल रही है तो उसको क्या कर लेते हैं, मीटर बना लेते हैं। तो ये भी किस में होगा, मीटर में होगा। तो 15 मीटर क्या है, इसकी भुजा है। अब 5 सेमी लंबी रस्सी में किसी एक कोने पर घोड़ा बना हुआ है। अब बताइए जब घोड़ा बंधा हुआ है तो उसका गला जो है इधर तो होगा, अगर यहाँ पर हम घोड़ा बांध देते हैं तो कितना क्षेत्रफल चढ़ सकता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल वो चढ़ सकता है। इतनी बात समझ में आई, अर्थात अब इसको देखिए, अगर इसको काट लिया जाए, अगर तिरछा किया जाए तो देखिए एक त्रिज्यखंड दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड दिख रहा है ना। अब ये बताइए कि जब वर्ग है तो वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 अंश के, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं ना। तो ये वर्गाकार है तो ये यहाँ पर 90 अंश बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो यहाँ पर 90 अंश हो गया, ये कोण मिल गया 90 अंश। अब ये जो है अगर इसको पूरा ऐसे घूम जाता घोड़ा तो एक वृत्त बनाता। अगर गांव में देखे होगे आप, एक बकरी रख यहाँ पर खूंटे में एक बांध दो, बकरी बांध दो, अब बकरी की रस्सी इतनी लंबी है, अगर ये बकरी लेकर आप घूम जाइए पूरा ऐसे तो एक क्या वृत्त बनाएगा। या तो आप गन्ने वाली मशीन देखे होंगे जो पुराने, अगर आप सब देखे हों कहीं पर हो, जो पुरानी मशीन थी कोल्हू टाइप की, तो उसको देखिए, एक रस्सी बनी, यहाँ गन्ना लगाते थे मशीन में और ऐसे घूमते थे तो जो बैल घूमता था वो ये क्या बनाता था, वृत्त बनाता था। तो सेम ऐसे अगर ये घोड़ा घूम जाएगा चारों तरफ तो वृत्त बनाएगा, लेकिन इधर घास नहीं है, इधर घास नहीं है तो इधर चरेगा ही नहीं। तो चरेगा क्या, सिर्फ घास का ही क्षेत्रफल मैदान का ही चरेगा। तो देख रहे हैं ये क्या बना रहा है, एक त्रिज्यखंड बना रहा है। तो जो यहाँ पर घोड़े की रस्सी है, रस्सी की लंबाई, वही यहाँ पर क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी। तो रस्सी की लंबाई, घोड़े रस्सी की लंबाई 5 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 5 मीटर। आई बात समझ में,
थीटा मिलेगा 90 अंश। क्यों 90 अंश मिला? क्योंकि क्या है, एक वर्ग है और ये जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो यहाँ पर भी 90 अंश, जो थीटा मिला क्या बना 90 अंश। तो निकाल लेते हैं कि पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो घोड़े द्वारा चरा गया मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये किस क्या है पहले क्वेश्चन के लिए, तो थीटा मतलब 90/360, पाई का मान देखते हैं कटता है नहीं कटेगा, कोई बात नहीं रख भी सकते हैं 22/7, नहीं भी रख सकते हैं। तो अगर हम देख लेते हैं क्या दिया है, हाँ पाई का मान दिया है 3.114 दिया है। इसमें सवाल में कहा है कि पाई बराबर हम ले सकते हैं 3.14, पाई का मान वो कहा है कि 3.14 ही यूज कीजिएगा, तो पाई का मान क्या रखेंगे 3.14। आर कितना है 5 मीटर, अर्थात 5 का वर्ग करेंगे तो इसको काट दे 0, 0, 9, 4, 36। अगर इसको भी और काटा जाए तो 2×2=4 यहाँ काटेंगे, 2×1=2, 2×5=10, 2×7=14, इतनी बात समझ में आई। फिर 2 से काट देते हैं तो आएगा ये कितना 2×7=14, यहाँ बचा 1, 17 हुआ, 2×8=16, फिर यहाँ 1 बचा, 2×5=10, तो आएगा 7, 8, 5×25। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो 25×5=125 की 5 हासिल 12, 25×8=200 और 200 में 12 जोड़ेंगे तो 212 हो जाएगा, 2 हासिल 21 हो जाएगा। 25×7=175, 25×7=175 में 21 जोड़ देते हैं तो 5×6=7291 क्या हो जाएगा 196, कितने अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव, तो इतना मीटर स्क्वायर क्या है मीटर है, तो इतना मीटर स्क्वायर वो क्या चलेगा घास चरेगा। पहला सवाल यहाँ पर समाप्त हुआ। अब दूसरा कह रहा है कि यदि इसकी रस्सी बढ़ा दिया जाए, 5 मीटर के स्थान पे 10 मीटर कर दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए तो ऐसे घास चरेगा, इतना चर डालेगा। अब ये 5 के स्थान पे 10 मीटर हो गया ना, तो दूसरा सवाल कह रहा है कि अतिरिक्त कितना क्षेत्रफल चरेगा, अर्थात ये जो क्षेत्रफल है इसको अब निकालना है, किसको ये सीडी मान लेते हैं, तो जो ये क्षेत्रफल बच रहा है इसको अब निकालना, मतलब कि एक्स्ट्रा कितना चरेगा अगर 10 मी हो गया तो एक्स्ट्रा के लिए कितना बढ़ा 5 मीटर बढ़ा, तो हम क्या करेंगे इस 10 वाला त्रिज्या में 5 वाला घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल में ये बाहर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे अंदर वाला, तो हमें जो शेष बचा यही क्षेत्रफल मिलेगा। तो दूसरे सवाल के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वृद्धि बराबर हो जाएगा, जो वृद्धि होगा वो क्या होगा, वृद्धि यहाँ से मिलेगा ये पूरा क्षेत्रफल 10 सेमी त्रिज्या का क्षेत्रफल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा अर्थात 90/360 गुणे पाई आर कितना है 10 होगा, तो 10×10। अब माइनस घटा किसको देंगे, जो ये पहला वाला क्षेत्रफल है घटा देंगे कितना 19.625 ये घटा देंगे, इतना वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तो शेष वाला बचेगा, तो इसको हल कर लेते हैं तो 0×0=9, 4×36, 2×2=4, 2×5=10, तो 2×1=2, 5×10, तो ये हो गया कितना 25×π का मान 3.14 दिया है और 19.26, इसको गुणा कर लेते हैं तो 25×4=100, 10, 25×1=25, अब 25 में 10 जोड़ेंगे तो 5×5=3, अब 25×3=75, अब 75 में 3 जोड़ देंगे तो 75×3=78 होता है, अब कितने अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव, -19.625। तो इसको अगर हल करते हैं निकालते हैं तो 0, 0 में से 5 गए 5,
फिर यहाँ बचा नौ, नौ में से दो गए सात, नौ में से दो गए सात। अब यहाँ कितना बचा चार, यहाँ छः है नहीं घटेगा, हम इससे उधार लेंगे हो जाएगा चौदह, चौदह में छः गए आठ, दशमलव लगाते हैं। अब यहाँ बचा कितना सात, कितना बचा सात, यहाँ नौ है नहीं जाएगा, हम उधार लेंगे सत्रह होगा, सत्रह में से नौ गए कितना बचा आठ, नौ आठ सत्रह, यहाँ कितना बचा छः, छः में से एक गए पाँच। इतना सेमी सॉरी मीटर स्क्वायर अतिरिक्त जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना चल रहा है 58.875 मीटर, इतना अतिरिक्त वो चल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको आप सब उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 अध्याय 12.2 का ही। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक छतरी में आठ ताने हैं, ताने मतलब जो तीली होती है, वही तीली क्या होता है ताने, यहाँ कहा है जो बराबर की दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक छतरी है तो छतरी देखो ऐसे होती है कुछ, ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा हमारा यहाँ पे मिस हुआ है, ऐसे यहाँ से इसको मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, सबको मिला दिया जा रहा है, ठीक। ये छतरी है, अब इसमें आठ ताने हैं, कितने ताने हैं आठ ताने, तो यहाँ पर हमारा जो बना है एक दो तीन चार पाँच है, तो हम इसको भी आठ बना दो, आठ बना सकते हैं आप। तो अब इसका जो एक ताने की लंबाई है, लंबाई कितना है 45 सेमी है। अब इसको कह रहा है कि एक वृत्त मान लीजिए, अब वृत्त मानकर दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। दो तानों मतलब अब बताइए इसके और इसके, इसके इसके बीच में जो ये क्षेत्रफल दिख रहा है यही क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। तो अब इसको देखिए क्या एक त्रिज्यखंड दिख रहा है, त्रिज्यखंड दिख रहा है, तो अब इसकी जो तानों की लंबाई है वही इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तानों की लंबाई क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दिया है तानों की लंबाई, तो आइए लिखते हैं तानों की लंबाई, लंबाई कितना है 45 सेमी है, तानों की लंबाई कितना है 45 सेमी है। तो यहाँ से तानों की लंबाई 45 सेमी है तो यही हमारी त्रिज्या मिल गई, त्रिज्या कितना हो गया आर बराबर 45 सेमी, ये बात ठीक है। अब हमें थीटा चाहिए, थीटा होता है 360 बटे, ये बताइए कितना ताने हैं, आठ ताने हैं, कितने ताने हैं आठ हैं, तो हम क्या करेंगे आठ से भाग कर देंगे, कितने से आठ से। पहले वाले इसके पहले सवाल बता चुके हैं ना कि जब चतुर्थांश था तो चतुर्थांश जब किसी वृत्त का चतुर्थांश में बांटा गया था ऐसे बांटा गया ना, तो अगर इस केंद्र से लिया जाए तो कितनी डंडी हुई एक दो तीन चार, चार है ना, तो चार से हमने भाग किया था, अब इसमें कितने हैं आठ है, तो हमने यहाँ से क्या आठ से भाग करेंगे, आठ से भाग करते हैं तो आठ से भाग करेंगे तो आठ चौ बत्तीस, बचा कितना चार, चालीस हुआ, तो आठ पंचे चालीस, तो थीटा बराबर आ गया पैंतालीस अंक, थीटा मिल गया हमारा पैंतालीस अंक। तो निकाल लेते हैं दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो वही सूत्र थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान 45 बटे 360, पाई का मान, पाई का मान शायद 3.4 नहीं दिया है नहीं कहा है, तो हम क्या 22/7 रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे क्योंकि 45 है, सात के पहाड़ में 45 तो आता नहीं है, तो हम क्या पाई रहने देंगे। आर का मान 45 गुणे 45, कितना समझ में आया। अब हम इसको काटेंगे तो 45 दूनी 90 होता है, अब जब 90 हुआ तो 9 चौक 36 होता है, तो 45 अट्ठे कितना हो गया 360 हो गया। अब ये क्या आर से कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 45 का वर्ग करेंगे तो 25 चार है चार पंचे 20, इतना बटे 8 पाई कितना हो गया
सेमी स्क्वायर ये आंसर हो गया हमारा। आंसर क्या मिला? 2025/8 पाई सेमी स्क्वायर हो गया। तो इतना हुआ क्या, दो तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2025/8 पाई सेमी स्क्वायर। तो इसको आप सब उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 इसी अध्याय का। क्वेश्चन क्या करा है 11 नंबर, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, आच्छादित मतलब मिलते नहीं हैं, काटते नहीं दोनों को। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई करता है। पत्तियों के प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा होगा कार में, बस में, ट्रक में वाइपर जिससे सफाई होती है आगे शीशा की, या पीछे भी कार में आप आजकल आने लगे हैं, तो वो कैसे चलते हैं, वो चलते क्या हैं? मान लीजिए कि कार में ऐसे लगे हुए हैं, लटके हुए हैं, ट्रक व्रक में लटका रहता है, कार में तो ऐसे रखा रहता है, ऐसे घूमता है, तो हम उसी तरह बना देते हैं जैसे आप चाह रहे हैं, ऐसे कार में वाइपर रखा रहता है। अब वाइपर यहीं से नीचे है तो कार का ये मान लेते हैं शीशा है ऊपर वाला भाग, वाइपर कैसे ऐसे घूमेगा, ऐसे जाता है, कितना घूम रहा है, वो दिया है कोण दिया है 115 अंश तक घूम जाता है, अर्थात वाइपर घूमना स्टार्ट किया, वाइपर चालू कर दिया गया, ऐसे घूमा, घूमते घूमते यहाँ आ गया। अब बताइए यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, ऐसा क्षेत्रफल कुछ बनता है नज़ारा देखने में। अब देखिए क्या है, त्रिज्यखंड बन रहा है, और जो ये घूमा है कितना घूमा है, 115 अंश घूमा है। और जो वाइपर की लंबाई है, वाइपर की जो लंबाई है वो कितना है, 25 सेमी है, प्रत्येक पत्ती की लंबाई 25 सेमी है, अर्थात ये भी 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, क्योंकि जो पत्ती जितनी लंबी यहाँ है उतनी लंबी यहाँ आएगा। अब कार में देखिए दो वाइपर होता है, तो दोनों के द्वारा जितना क्षेत्रफल ये साफ कर रहा है पानी का, वही पूछा है। तो बताइए भैया ये त्रिज्यखंड दिख रहा है कि नहीं, जब ये त्रिज्यखंड है तो हम जितना क्षेत्रफल इसका होगा इतने क्षेत्रफल दूसरा वाला वाइपर भी साफ करेगा, क्योंकि दोनों की पत्तियों की लंबाई समान है और दोनों समान 115 अंश कोण तक घूमते हैं, दोनों समान कोण घूम रहे हैं और पत्ती की लंबाई भी समान है, तो हम एक का क्षेत्रफल निखार कर दो से गुणा कर देते हैं तो दोनों के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर जो दिया वही करते हैं, जो हमारी ये पत्ती है यही हमारे त्रिज्या की काम करेगी। तो पत्ती की लंबाई, पत्ती की लंबाई कितना है, 25 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 25 सेमी। थीटा दिया है भैया, कितना दिया है, 115 अंश, थीटा दिया है 115। तो पूछ क्या रहा है, पत्तियों के प्रत्येक फुहार के द्वारा जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। तो अब हम निकालना क्या चाह रहे हैं, तो दोनों पत्तियों के फुहार, दोनों पत्तियों के बुहार के साथ, बुहार के साथ साफ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा भैया, 2 × θ/360 × πr² ये हमारा सूत्र हो जाएगा। क्यों हम दुगुना किए, क्योंकि दो हैं तो इसलिए दो से गुणा कर दिए, दो से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × θ का मान 115/360, पाई का मान 3.14, तो यूज नहीं कराया है सवाल में, नहीं कराया है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, रख देते हैं 22/7। आर का मान कितना है, 25 है, तो 25 × 25 ये हो गया। आओ काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 16 0। अब इनको देखिए 18 है, ये कितना है, 5 × 6 = 7, 3 से नहीं कटेंगे, 3 वही कटते हैं जिनका योग 3 से कट जाए। अब इसको जोड़ रहे हैं तो 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन 5 से कटेगा, तो काटते हैं 5 से, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 बचा यहाँ पर 3, 30 हुआ, 5 × 6 = 30, तो आ गया कि 23 × 22 × 25 हमें 625 अब बटे 36 × 7 ये मिल गया भैया। अब इसको भी और देखते हैं थोड़ा से, अभी भी कटेगा 2 से, 2 ग्राम में
18 दूनी 36 मिला। फिर अभी एक क्या कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो 11 तिहाई 33 और 11 दूनी 22 और 22 तीन कितना होता है 25 होता है। गुणे 625 अपान ये 18 से 7 में गुणा कर लेते हैं तो 8 सते 56 की 6 हासिल 5 और 7 एकम 7 7 5 12 126 ये आ गया। अब हम इन दोनों का भी क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 253 का और 625 का दोनों का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। आइए कर लेते हैं 253 और 625। तो जब 253 और 625 गुणा करेंगे तो 5 3 15 हासिल 1, 55 25 1 26 की 6 हासिल 2, 5 2 10 2 12। इसका करते हैं हम 2 का 3 में, तो 3 2 6 5 2 10 2 2 4 1 5 6 3 18 की 8 हासिल 1, 6 5 30 1 31 की 1 हासिल 3, 6 2 12 12 3 15। इनको जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो 5 6 6 12 8 2 10 11 5 1 6 1 7 और 7 1 हासिल है 8 और ये 5 1। तो हल किया कितना बचा 15 8 1 2 5 बटे 126 सेमी स्क्वायर। दोनों इतना क्षेत्रफल क्या करेंगे, साफ करेंगे। दोनों कितना क्षेत्रफल साफ करेंगे, 158,125 बटे 126 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल जो है कांच के शीशे को साफ करेंगे। तो जब वाइपर है तो जब दो चीज़ें पूछा जाए तो उनके लिए हम क्या करेंगे, अगर एक ही क्षेत्रफल के हैं तो एक का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें हम जितना रहे उतने से कूड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर दो वाइपर था, दोनों समान क्षेत्रफल तय करते, तो दोनों का समान क्षेत्रफल जब साफ करते तो हमने क्या किया, एक के क्षेत्रफल में दो से गुणा कर दिया, उसके बाद हल किए। तो बस आज क्लास यहीं तक। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जब यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, जिससे आपकी इस छोटे समय मतलब बहुत कम समय बचा हुआ है, आपके पास 10 से 15 दिन बचे हैं, इस 10 से 15 दिन में आप अच्छी सी तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क से पास हो सकें। इसी के साथ आज के लिए अलविदा लेते हैं, थैंक्स।